हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रांच अकाउंट्स। अब ब्रांच अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो ब्रांच ये एक हेड ऑफिस का छोटा सा यूनिट है जिसके पास हेड ऑफिस अपना सारा का सारा सामान जो है वो भेजता है, एंड ब्रांच उसके बाद वो अलग अलग कस्टमर्स को ये माल बेचता है। देखिए यहाँ पे वर्ड्स के पास थोड़ा ध्यान दीजिए। HO ब्रांच के पास भेजता है और ब्रांच वो कस्टमर को बेचता है। यहाँ पे ब्रांच अकाउंट को अपने पास कुछ भी पैसा रखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसको जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो HO ब्रांच को दे देगा, और ब्रांच के पास जो भी पैसा आएगा वो उसने खुद के पास नहीं रखना है, बल्कि वो HO यानी हेड ऑफिस को रिटर्न कर देना है। इसका मतलब ब्रांच के खुद के हाथ में कुछ भी पैसा नहीं रहता है। जो भी माल HO को देना होगा वो ब्रांच को दे देगा, और ब्रांच के पास कुछ एक्स्ट्रा माल होएगा तो वो HO को रिटर्न कर देगा। जब हम ब्रांच अकाउंट्स करते हैं तो हमें HO और ब्रांच इन दोनों के बीच में कुछ जो कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही है उसी की एंट्री करनी रहती है। ब्रांच आगे चल के कस्टमर्स के साथ क्या करता है उसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं की जाती है, बल्कि उसकी एंट्री कस्टमर्स से रिलेटेड जो कुछ होएगा उसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट एक अलग से बनाना रहता है। अभी हम लोग ब्रांच अकाउंट्स की डिटेलिंग देख लेते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि इसमें इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक बार मैं आपको फॉर्मेट क्लियर करा देती हूँ, सो दैट यू जस्ट हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फिगर्स ओवर हियर एंड योर ब्रांच अकाउंट इज डन विद। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग द डेटर्स अकाउंट, द पेटी कैश अकाउंट एंड द स्टॉक अकाउंट। फॉर द टाइमिंग लेट्स स्टार्ट। ब्रांच अकाउंट में जो शुरुआत में लिखा जाता है उसे बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस। अब ब्रांच के पास क्या क्या होगा? तो स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश, ये उसकी ओपनिंग बैलेंस रहती है। अब क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस कौन सी है? तो जो भी स्टार्टिंग की डेट को दी जाती है, जैसे 1/4 को अगर दी गई है यानी 1st of April, तो वो हो जाएगी हमारा ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश का या किसी और एसेट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो उसका डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हर एक चीज़ का हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO। HO यानी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस जो भी माल भेजता है विल बी कमिंग ओवर हियर एज टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। उसके बाद दिया है टू बैंक। बैंक का मतलब पैसा। अभी जैसे हमने कहा कि हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजेगा जो भी खर्चे हैं वो सब चलाने के लिए। अब ये खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? तो पेटी कैश का हो सकता है सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो भी खर्चे दिए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे क्लब टुगेदर कर देंगे। ओके, उसके बाद हम जाते हैं क्रेडिट बाजू में। क्रेडिट बाजू में हमारे पास है बाय बैंक, मतलब ये वो पैसा है जो ब्रांच अकाउंट हमारे हेड ऑफिस को भेज रहा है। तो ब्रांच को कहाँ से पैसा मिलेगा? जो भी वो सेल्स करेगा। अभी सेल्स का मतलब होता है बेचा गया। ब्रांच दो तरीके का सेल्स करता है, एक है सेल्स ऑन कैश और एक है सेल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स। जिसको क्रेडिट सेल्स किया जाता है वो होता है हमारा डेटर। इसकी डिटेलिंग जो है वो हम डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। डेटर्स जो कुछ पैसा ब्रांच को देता है वही पैसे की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी डेटर्स के सामने। इन शॉर्ट, जो कैश में सेल्स किया जाता है और जो कैश डेटर्स से मिलती है उनकी फिगर्स ही हमें यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। ब्रांच के पास कभी कभी कुछ ज़्यादा माल बच जाता है या डिफेक्टिव माल होता है जो ब्रांच HO हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर देता है, वो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखनी है। अभी डेबिट और क्रेडिट दोनों की ओर ध्यान दो। यहाँ पे दिया है टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO और यहाँ पे दिया है बाय गुड्स रिटर्न टू HO।
यहाँ पे एचओ के पास से, हेड ऑफिस के पास से माल आ रहा है, यहाँ पे हेड ऑफिस के पास माल जा रहा है, ब्रांच माल भेज रहा है, ब्रांच के पास माल यहाँ पे आ रहा है, ओके। यहाँ पे ब्रांच के पास एचओ माल भेज रहा है, यहाँ पे ब्रांच एचओ को माल भेज रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, यहाँ की जो वैल्यू रहेगी वो बड़ी होगी और यहाँ की वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी होती है। इसका कारण क्या है, जितना भेजा गया उससे कम ही रिटर्न किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में याद रखिए कि आपको ओपनिंग बैलेंस में जितनी चीज़ें दी है उतनी क्लोजिंग बैलेंस में कम से कम होनी ही चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या आ जाएगा, स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। कभी कभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो इनकम्स है वो भी होती है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस है, जो हमारे सिर पे कर्जा है, उसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे डेबिट बाजू में इस बाजू आ जाएगा, ओके। इन दोनों की टोटलिंग करके जो भी फर्क आएगा विल बी गोइंग टू आवर पीएनएल अकाउंट। इन दिस वे वी क्लोज आवर ब्रांच अकाउंट, ओके। अभी ब्रांच अकाउंट में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है लोडिंग का। लोडिंग का मतलब होता है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर प्रॉफिट का कवर चढ़ा के उसका इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पे चीज़ें भेजी जाती है। अभी हमें ये लोडिंग यानि उसके ऊपर का कवर जो है वो निकालना है। ये कैसे निकाला जाएगा और लोडिंग किन चीज़ों पे अप्लाई की जाती है, हम उसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिए सिर्फ स्टॉक की बात कर रहे हैं हम। हमने ऊपर ओपनिंग बैलेंसेस लिखी थी और ओपनिंग बैलेंस के नीचे हमने स्टॉक जो दिया है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक ओवर हियर। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ और गुड्स रिटर्न टू एचओ, यही सारी चीज़ों के ऊपर लोडिंग लगती है अगर उनके सामने इनवॉइस प्राइस दिया होगा तो। इनवॉइस प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, मतलब इस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट का पार्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लोडिंग है 20% ऑन सेल्स, इस तरीके से सम में दिया है, तो इसे क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे सी पी प्लस पी इज इक्वल्स टू एस पी। अभी प्रॉफिट की जगह पे हम लोग ये 20% डाल देंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस की जगह पे यहाँ पे सेल्स वर्ड आ गया है तो सेलिंग प्राइस को हम लोग 100 पकड़ के चलते हैं और उसके बाद निकालेंगे पी अपॉन एस पी विच इज 20/100, तो हमारा रेशियो हो गया 1/5 का। तो अभी जो भी हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है उसका 1/5 पार्ट निकाल के हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, और जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है इनटू 1/5 करके हम वो वैल्यू बाहर डाल देंगे। उसी तरीके से गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, इसके ऊपर का लोडिंग निकालना है तो उसके ऑपोजिट हैंड को हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, और जो भी उसकी वैल्यू है उसका 1/5 निकाल के हम वो बाहर डाल देंगे। सिमिलरली गुड्स रिटर्न टू एचओ का हम लोग उल्टे बाजू लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न टू एचओ। एचओ का मतलब हम लोग हेड ऑफिस है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है उसको यहाँ पे लिख के उसका 1/5 निकाल के हम आउटर कॉलम में डाल देंगे। सिमिलरली जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी हमें निकालना पड़ेगा, तो ऑपोजिट हैंड में लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, और जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पे लिख के उसका 1/5 हमने निकाला क्योंकि हमारा लोडिंग 1/5 आया हुआ था, ओके। तो इस तरीके से लोडिंग निकाला जाता है। लोडिंग का इफेक्ट ऑपोजिट बाजू दिया जाएगा प्रोवाइडेड वहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखा होगा, ओके। सो इस तरीके से हमें ब्रांच अकाउंट क्लोज करना है।
अगर कभी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स या फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक या पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस सब में नहीं दिया जाता है, तो हमें उस अकाउंट को बना के फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना रहता है। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अभी यहाँ पे जब हमने एक्सपेंस लिखा है तो इसमें सिर्फ पेटी कैश के ऊपर किया गया खर्चा वो इधर लिखा जाएगा। ओके, ये आपको कब पता चलेगा? जब हम पेटी कैश का अकाउंट बनाना सीखेंगे। फॉर द टाइम बींग, बाय।